खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। आखिरी चरण के चुनाव में जिन 59 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है उनमें पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें शामिल हैं। अब पंजाब में इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया गया है क्योंकि यहां हर सीट पर कांग्रेस भी है, अकाली बीजेपी गठबंधन भी है और आम आदमी पार्टी भी है, जिसके बीच टक्कर हो रही है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, आप उम्मीदवार भगवंत मान जो सांसद भी है संगरूर से, वो एक बार फिर चुनाव मैदान में। भगवंत मान का मुकाबला अकाली दल के परमिंदर सिंह ढींडसा, कांग्रेस के केवल सिंह ढिल्लों से है। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही के साथ देखिए संगरूर का संग्राम। आगे आगे चल रही हैं मोटरसाइकिल, उनके पीछे ट्रैक्टर पर स्पेशल कुर्सी पर विराजमान भगवंत मान। ये नजारा है पंजाब की संगरूर सीट पर आप नेता भगवंत मान के ट्रैक्टर शो का। गांव भर में इसी लाव लश्कर के साथ भगवंत मान गुजरते हैं। तंग गलियों के दोनों तरफ खड़े लोग अपने मोबाइल पर तस्वीरें उतारते हैं, कुछ हंसते हैं तो कुछ ट्रैक्टर के पीछे चल देते हैं। गाँव का चक्कर काटने के बाद भगवंत मान पीपल के पेड़ की छाया में रुकते हैं। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान एक बार फिर चुनाव मैदान में है। पिछली बार 2,40,000 के भारी अंतर से जीते थे। शिरोमणि अकाली दल दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कांटे का है। एक छोटे से गांव में ट्रैक्टर पर बैठ के भगवंत मान रैली कर रहे हैं। भगवंत कुर्सी पर खड़े होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके भगवंत मान का अपना अलग अंदाज है। कभी चुटकुले सुनाते हैं तो कभी कांग्रेस अकाली दल के नेताओं की मिमिक्री करते हैं। बीच बीच में महिलाओं के चूल्हे चौके की बात भी हो जाती है और बेरोजगारी की भी, लेकिन हर गंभीर बात पर एक आध हल्की फुल्की फुलझड़ी छोड़ना वो नहीं भूलते, जिस पर बच्चों के साथ साथ नौजवान भी हंसते हैं। सब तो सच्ची थे, सब तो बढ़िया फोटो लगी हुई है। परमिंदर सिंह से भी आए हैं, जल तो पैरा हो गए, कटी तो पा दो। पंजाब में पिछले लोकसभा चुनाव में आपके भगवंत मान सहित 4 आम आदमी पार्टी नेता लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 3 नेता किसी न किसी वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं। अकेले भगवंत मान बचे हैं जो पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार मेरी परफॉर्मेंस मेरे पास नहीं थी, मेरे पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था। इस बार आधा रिपोर्ट कार्ड तो इनके मोबाइल फोन में है, जो पार्लियामेंट में मैंने बेबाक तरीके से बोला उसको ये अच्छा मान रहे हैं कि शुक्र है कोई हमारे पक्ष में बोला भी। और बाकी रिपोर्ट कार्ड एमपी लैड्स का वो इनके हाथों में है, इनके गांव में पता चलता है कि कुछ हुआ है। तो इस बार ये कह रहे हैं कि जिनको पिछली बार पता नहीं था कि कैसा निकलेगा ये एमपी, वो भी इस बार कह रहे हैं कि हम आपके पक्ष में हैं। भगवंत मान गांव से उसी अंदाज में निकल रहे हैं जिस अंदाज में पहुंचे थे। गाँव वालों का कहना है कि नेता तो कोई भी भला नहीं करता, कम से कम भगवंत हंसा तो देते हैं। कांग्रेस ने केवल सिंह ढिल्लों को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। वो अपने चुनावी भाषणों में विकास की बात करते हैं, वो ये याद दिलाना नहीं भूलते कि सबसे पहले आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री उन्होंने ही संगरूर में खुलवाई थी। वो ये कहते हैं कि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो विकास की गंगा यहाँ संगरूर में वो बहा देंगे। मलेरकोटला में केवल सिंह ढिल्लों पहुंचे हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। सभा स्थल में एक कोने में बैठी महिलाओं और बुजुर्गों के पास वो पहले जाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू होता है और अन्य लोगों से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, जिसमें किसान शामिल हैं। अपने भाषण में विकास की चंद बातों के बाद भगवंत मान और अकाली दल की बादल सरकार के 10 सालों को पानी पी पी कर कोसते हैं। हमारा मुद्दा विकास का है, हमारी पार्लियामेंट में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, कहे दूसरे प्रदेश में जाए, विदेश में जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कोई जलंधर जाए, तो मेरा ये पहला काम होगा कि अपने इलाके में विद्या और रोजगार, बड़ा एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन एंड बड़ी इंडस्ट्री लाना। आपका मुख्य मुकाबला भगवंत मान से है या अकाली दल? किसी से भी नहीं, दोनों ही वैसे जमानत जब्त हुई पड़ी है, अब तो आजकल तो वैसे ही चल फिर रहे हैं। इनको लोगों का आप देखो उत्साह, लोगों का हड़, लोगों ने मन कर लिया, लोगों को मन पिछले 10 साल लोगों ने अकालियों को देख लिया है, लोगों ने मन बना लिया कि इनको मुंह नहीं लगाना। भगवंत मान ने वैसे 5 साल में कुछ नहीं किया, चुटकुले सुनाए हैं, लोगों ने मन बना लिया भी चुटकुले वाले को वोट नहीं डालने। चुटकुले सुनेंगे जरूर,
प्रोग्रामा पे, लेकिन वोट नहीं डाले। केवल सिंह ढिल्लों के निशाने पर भगवंत मान ज्यादा रहते हैं। वो भगवंत मान को चुटकले सुनाने वाला कहते हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि भगवंत मान शराब छोड़ देने के अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे। कॉमेडियन ही है, कॉमेडियन भी ऐसा, वो शराब पी के पार्लियामेंट में चला जाता है, शराब पी के गुरु ग्रंथ साहब के सामने चला जाता है। वो उसकी जिस आदमी को इतना अल्कोहलिक हो जाए, वो शराब छोड़ ही नहीं सकता। उसके उसने देखो इतना बड़े लोगों को कट कर लिया, हमारे बरनाले में इतना कट किया, लोगों ने बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा, केजरीवाल को बुला दिया, खड़ा होकर बोलने लगा कि मैंने आज से शराब छोड़ दी। ये कोई अनाउंसमेंट है? ये कोई लोगों के लिए, आप पब्लिक के आदमी हैं, आप शराब छोड़ दी तो आपका निजी कार है, आप पियो, घर बैठकर पियो, लेकिन पब्लिक में मत पियो। भाषण के अंत में केवल सिंह को लड्डुओं से तोला जाता है। खुद लड्डू खाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और लड्डू बांटते हैं। लोग लड्डू का स्वाद लेते हुए उन्हें ही वोट देने की बात करते हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि 6,000 रुपए हर साल उन्हें कोई नहीं देता, सानू कांग्रेस को वोट देनी है। लड्डू खाया आपने? हाँ जी खाया। वोट भी इन्हीं को मिलेगा? हाँ वोट इनको मिलेगा। हमको टेलीफोन आया था, पता नहीं कहाँ से, हमने उनको बोल दिया कि हम तो भाई इसको वोट देंगे। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से परमिंदर सिंह ढींडसा चुनाव मैदान में हैं। उनके पिता सुखदेव सिंह ढींडसा यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं। भगवंत मान ने उन्हें पिछली बार यहाँ से हराया था। 5 बार विधायक और बादल सरकार में मंत्री रह चुके परमिंदर सिंह ढींडसा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। धीर गंभीर स्वभाव के ढींडसा सदे हुए शब्दों में मोदी सरकार के विकास के काम गिनवाते हैं और भगवंत मान के उन वादों की याद दिलाते हैं जिन्हें सांसद बनने के बाद वो भूल गए। पिछली बार इन्होंने बात बहुत बड़ी बड़ी लोगों से वादे किए कि हम इनकलाब लेके आएंगे, और अब लोगों को पता चल गया भी इनकलाब तो क्या आना था, इनकी पार्टी के खुद के अंदर इनकलाब चल रहा है और आपस में लड़ रहे हैं। अभी सिर्फ 11 MLA रह गए, इनके 20 चुने गए थे। सो लोगों को अब पता चल गया अभी ये कहने की बातें हैं, असल में ये पार्टी जो है बाकियों से भी कहीं इनकी परफॉर्मेंस बुरी है। परमिंदर सिंह भी अपना भाषण खत्म करने के बाद महिला वोटरों से उनका सुख दुख पूछना नहीं भूलते। वो बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेने के बाद याद दिलाना नहीं भूलते कि जिस भगवंत मान को बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया वो शराबी निकला। हैरानी की बात है उनका ये कहना, एक पंजाब में पहली बार हुआ है एक शराब छुड़ाओ रैली हुई जिसमें खुद केजरीवाल जी आए और भगवंत मान जी की शराब छुड़ा के गए, तो आप इनकी मुद्दों पे गंभीरता और इनकी कौन से मुद्दों की प्रायोरिटी है वो आप देख सकते हैं। चलो इस बहाने शराब तो छूट गई, चलो वो भी पता नहीं हमें भी छूट गई कि नहीं छूटी है, वो तो यहाँ भगवान को पता है या भगवंत को। उधर शराब छोड़ देने का दावा करने वाले भगवंत मान कांग्रेस और अकाली दल नेताओं के आरोपों का अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं। उसमें उस शराब का पैक है, जब वो मैंने डाल दी तो कहते मेरी निजी है, तो मेरी निजी नहीं है कुछ। जब कैप्टन साहब अरूसा के साथ चीयर्स करके पीते हैं तो वो राजे हैं, हम आम आदमी हैं। कोई बात नहीं, मैं इतना दिल से जुड़ा हूँ कि मैंने 1 लाख के बरनाला में रैली में बोल दिया चलो फिर आप आओ, क्या क्या है इनके पास, चलो निकालो, मेरे में कमी निकालो चलो। यह मुद्दा खेती, बेरोजगारी, डिग्री कॉलेज का नहीं है, पूरा चुनाव मान के चुटकलों और उनकी कथित शराबखोरी के आसपास घूम रहा है। आप पंजाब खतरे में। 3 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, 20 विधायकों में से 9 विधायक भी पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। इंकलाब, इंकलाब, बोले सोनिहार। संगरूर लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का वजूद भगवत मान की हार और जीत पर निर्भर करता है। यहाँ माना जा रहा है कि अगर भगवत मान हारते हैं तो पार्टी में टूटन और ज्यादा तेज हो सकती है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ विजय विद्रोही, संगरूर, ABP न्यूज। देश का एग्जिट पोल 19 मई शाम 4 बजे से।